सो व्हाट्सअप, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे एक और नई जर्नी पे। और अभी इस जर्नी पे हम लोग जा रहे हैं शिमला मनाली घूमने के लिए, क्योंकि दिल्ली में इस टाइम बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो हम लोग निकले थे सुबह 4 बजे घर से, और ये मेरा दोस्त सुजीत जो दिल्ली पुलिस में है, जो कि त्रिपुरा से है, और ये एक और दोस्त है बुलू जो अभी सो रहा है, और ये आरामी दोस्त है क्योंकि सुबह 4 बजे हम लोग निकलने वाले थे और अभी बज रहे 6। तो अब तक मैं उसको फ़ोन कर रहा था, अभी तक लेके 200 बार से ऊपर फ़ोन कर लिया होगा। तो मेरे घर से यहाँ पे 20 किलोमीटर दूर इसके लोकेशन पे आया, फिर उसको पकड़ के लाया। तो अभी बज रहे 6, तो अभी निकलते हैं हम मनाली के लिए। तो ये है सिंगू बॉर्डर, जहाँ पे हमारा ड्यूटी का आइटम लगता है। तो यहाँ से रास्ता बंद है, तो हमको घूम के एक गांव के अंदर से जाना पड़ेगा। यहाँ से लगभग पिछले साल से, अभी 1 साल होने को है जहाँ से ये जो बॉर्डर यहाँ से बंद है, और यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर आगे जो किसान है वो वहाँ पे बैठे हुए हैं। रास्ता है दूसरा गांव वाला रास्ता, जो कि कुछ किलोमीटर घुमा के हमको फिर इसी हाईवे पे लेके आएगा। तो अभी इस रूट पे बहुत ही ज़्यादा जाम हो रखा है, तो अगर हम सुबह 4 बजे निकलते, इन लोगों के लिए हम सुबह नहीं निकल पाए। तो अभी लगभग 6:30 बज रहे, इसलिए इतना ज़्यादा जाम है। 4 किलोमीटर लगभग यहाँ से घूम के फिर आपको हमको हाईवे पकड़ना पड़ेगा। तो ये जो सिंगू बॉर्डर में किसान प्रोटेस्ट चल रहा है, ये जो हाईवे बंद करके रखा है उन्होंने, ये हरियाणा है। तो हम लोग गांव से घूम के आके हरियाणा में अभी एंट्री कर लिए है। ये देखिए, तो ये पूरा का पूरा हाईवे जो है ये बंद हो रखा है। और देखिए एसी वगैरह सब कुछ लग रहा है यहाँ, इनका यहाँ के प्रोटेस्ट वगैरह में कूलर एसी वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। बढ़िया प्रोटेस्ट चल रहा है इनका। तो गाइस अभी लगभग 10 बज रहे और हम लोग अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए हवेली एक रेस्टोरेंट यहाँ पे आके बैठ रहे हैं, और ये है आलू पूरी। खाते यहाँ पे आलू पूरी, और हमारा प्लेट अभी लगने वाला है। आलू पूरी खाते हैं यहाँ से, फिर चलते आगे के लिए। यहाँ पे रुके हैं और लगभग 70 किलोमीटर दूर है यहाँ से शिमला, और यहाँ पे हम लोग पहाड़ के थोड़ा बीच बीच में आ गए, और हवा जो है बहुत ही ठंडा हवा भी बह रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे अभी रुके हैं। और सीन आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहाड़ी का एरिया जो है शुरू हो गया, और पहाड़ी जो पेड़ वगैरह है ये देखिए बहुत ही मस्त लग रहा है जो पेड़ वगैरह है। और भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं आगे देखने के लिए, पर अभी यहाँ पे थोड़ा खाने पीने के लिए यहाँ पे लोग रुकते हैं, और ये जो नज़ारा है इसका मज़ा लेते हैं। और हमारा गाड़ी ये है आर्टिका जो हमने रेंट पे लिया है, आपको एक बार नज़ारा दिखाता हूँ। और काफ़ी सारे बाइकर्स हैं, बहुत सारे बाइकर्स यहाँ पे, यहाँ से मतलब जब से हम दिल्ली से निकले बहुत सारे बाइकर्स को हम देख रहे हैं कि वो लद्दाख के लिए जा रहे हैं। मेरा भी बहुत ज़्यादा सपना था, पर मैं सोच रहा था कि एक बार गाड़ी से होकर देख लूँ रूट कैसा है, मनाली तक का रूट कैसा है, फिर अगली बार जब निकलेंगे तब बाइक से निकलेंगे। तो इसलिए फर्स्ट एक्सपीरियंस के लिए इस बार हम लोग गाड़ी से जा रहे हैं। तो टोटल हम लोग 5 बंदे हैं, ये है भुलू, ये है चिंटू, ये है अफजल, ये ड्राइवर भैया हमारे मंगेश भैया है, और ये हमारे सुजीत भैया। तो चले चलते हैं आगे, और आगे का नज़ारा आपको दिखाते हैं। बज चुके हैं शाम के 6, और हम लोग अभी आए हैं हीरानगर, यहाँ पे एक होम स्टे है
जो कि सेलिब्रेशन होमस्टे है, क्योंकि हम जब शिमला गए थे वहाँ पे पार्किंग का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा, क्योंकि अभी आज वीकेंड है, शनिवार है, इसलिए पार्किंग हमें मिली नहीं, और जब भी पार्किंग मिल रहा था वो लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये रूम बता रहे थे। 5 लोग यहाँ पे होमस्टे कर रहे, और यहाँ पे अपना डिनर पहले कर लेते हैं, जो हम लोग यहाँ पे अपना डिनर कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे रुकेंगे, फिर कल सुबह निकलेंगे हम मनाली के लिए। तो अभी पहले आपको यहाँ से हम जहाँ पे रह रहे इससे बाहर का नज़ारा आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये बाहर का नज़ारा है। तो अभी हम लोग पहले खाना खा लेते हैं, फिर आपको जाके ऊपर से नज़ारा दिखाऊंगा, पूरा प्रॉपर नज़ारा कैसा है। हमारा खाना आ गया, थाली के हिसाब से हमने मंगवाया, और इसका अभी आया नहीं, इसलिए हम खाना शुरू नहीं किए। इसने शुरू कर दिया। तो अभी हम लोग खाना खा लेते। तो गाइस, ये रहा हमारे रूम से छत का जो नज़ारा है बाहर का, एक नंबर ऑसम जो है सीन है यहाँ का। ये देखिए, और ये देखिए कितना नीचे से सड़क है, और अगर यहाँ से मोबाइल गिर जाए ना, लगभग 150 मीटर नीचे गिर जाएगा पूरा, लगभग 150 या 200 मीटर है यहाँ से पूरा। और व्यू जो है एक नंबर आ रही है। ये है हमारा रूम जो कि हमें 2000 का पड़ा। हम 3 लोग यहाँ सोएंगे और 2 लोग यहाँ सोएंगे, और हमारा बॉडी बिल्डर भाई। The next day. हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कल रात हम लोग रुके थे इस जो होमस्टे है इसमें, जो कि हीरानगर पे है। तो अभी लगभग 6 बज रहे और हम लोग निकलने वाले आज मनाली के लिए। तो ये रहा यहाँ का जो सीन है, मैंने कल आपको दिखाया था, कुछ ऐसा सीन है। ये जो है हमारे भाई साहब सुजीत, बहुत ही ज़्यादा शर्माता है जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ, वो देखता रहता है लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे। मैंने इसको ये बोलता रहता हूँ कि लोग तुमको नहीं पहचानते, तुम भी लोगों को नहीं पहचानते। पहली बार जब मैं वीडियो बनाता, मुझे भी ऐसा लगता था। तो अभी हम लोग रुके हैं यहाँ पे, जहाँ पे पहाड़ की खुदाई हो रही है, इसलिए उस साइड का भी गाड़ी और इस साइड का भी गाड़ी रोक के रखा गया किस टाइम, थोड़े टाइम के लिए। ये देखिए, मनाली पहुंच चुके हैं, और अभी हमने स्टे किया होटल ओशियन पे, और यहाँ पे हमारा रेंट, हम 2 दिन रहेंगे, तो 3500 रुपये हमारा 2 दिन का पड़ा। और पहले आपको मैं छत पे जाके उसका लोकेशन देखा था। देखिए, ये देखिए हिमालय। कल हम लोग जाएंगे रोहतांग पास, जहाँ पे बर्फ़ मिलती, क्योंकि इस टाइम पे, इस सीज़न पे मनाली पे तो बर्फ़ मिलने वाला है नहीं, क्योंकि गर्मी का सीज़न अभी चल रहा है, पर यहाँ पे लगभग अभी 20 से 21 डिग्री सेल्सियस अभी टेम्परेचर है, और रोहतांग पास में अभी हमको बर्फ़ मिलेगा। तो कल हम जाएंगे रोहतांग पास, और अभी जो यहाँ पे मॉल रोड है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से वहाँ तक पूरा का पूरा मॉल रोड है। आज हम लोग मॉल रोड घूमेंगे, और फिर कल हम दूसरे एक्टिविटीज मनाली में। तो ये है भुलू,
जो कि हमारे बैच में बहुत ही ज्यादा मकरा था। एक और लोग है ना, एक और भाई है हमारा, इनका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। क्या दू <दूर? laughs> सुनने से पहले हंसी आ गया। ये हमारे बैच में, इनका नाम है सुजीत ग्वाला। इनका नाम है सुजीत ग्वाला, जो कि रनिंग में एक्सपर्ट था हमारे प्लाटून में, हमारे प्लाटून लॉन्ग रनिंग में, शॉर्ट रनिंग में ये एक्सपर्ट था शायद और लॉन्ग रनिंग में ये एक्सपर्ट था, बहुत ही रनिंग करता था और मैं एवरेज था ठीक ठाक। और आप लोग भैया कौन हो बताओ? नहीं, ये मैं, ये मेरे दो बहुत ही अच्छे दोस्त है। गजब बेइज्जती है। हो गया, रेडी हो गया, चलो। तो हम अभी निकल रहे हैं माल रोड के लिए और देखने वाले आज शाम, आज रात को बस हम माल रोड ही देखेंगे, क्योंकि सुबह सुबह 6 बजे हम निकले थे और अभी शाम के 6 से ऊपर हो गए। तो आज हम लोग मनाली को एक्सप्लोर करने वाले, इसी सीढ़ी से आ जाओ। तो ये सड़क है जहाँ से हम लोग माल रोड जाएंगे, और दुकान वगैरह सभी सभी टाइप का दुकान वगैरह मिल जाएगा ना खरीदने के लिए। दुकान है नीचे, हाँ इस साइड के जाना अपने, बस इस दूसरी साइड, दूसरी साइड इधर से, और उधर उधर से नहीं जाना। नहीं, गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं माल रोड पे, और अनफॉर्चुनेटली आज संडे है, इसलिए माल रोड पर ज़्यादातर दुकानें हैं, 60% से भी ऊपर दुकान है वो बंद है। बस खाने पीने का जो दुकान है, कपड़ा वगैरह शॉपिंग वगैरह का दुकान, आज सभी दुकान बंद है, बस खाने पीने का दुकान ही आज खुला है। और भीड़ जो है काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, पर संडे को क्यों बंद किए, क्योंकि टूरिस्ट ज़्यादातर संडे को ही आता है, पर इसी दिन, आज के दिन ही बंद रहता है मार्केट। दोस्तों यही पे हम लोग अभी घूम रहे हैं मनाली के मॉल रोड पे, और ये अभी मैंने एक शर्ट खरीदा और दुकान में चेंज कर लिया, और जो मेरा पुराना शर्ट था वो इसमें डाल लिया। दो लेंगे ये वाले, ये टोपी जो पहाड़ी टोपी है, ये अभी हम लोग देख रहे हैं कि अगर सही रेट मिल गया तो दो, एक ये ले लेगा और एक मिले वाला। इधर ध्यान से, इधर इधर ये वाला सही, ये वाला दो लेंगे, कितना कम होगा? तो दो लेंगे, 120 का 100 लगेगा। तो अभी हमने ये दो टोपी ले लिया 150 रुपये, पर जैसे हमने, ये एक टोपी 120 का था, पर जैसे हमने बोला 200-150 रुपये देगा तो ठीक है ले लो। अभी ऐसा हमको रिग्रेट फील हो रहा था कि हम दो 120 या 110 में ले सकते थे, पर जैसे हमने बोला कि 200 का 150 देंगे, बोल रहे ठीक है ले लो, कोई मतलब एक्सक्यूज नहीं मिला। अगर आपको रोहतांग पास जाना है तो यहाँ से आपको पास करवाना पड़ता है, तो यहाँ पे टैक्सी ड्राइवर आपको मिल जाएगा, जो कि हमने अभी टैक्सी ड्राइवर बुक किया, जो कि 2500 रुपये में हमको मिला, जो ऑल्टो है उसमें 5 लोग हम बैठ के रोहतांग पास जाएंगे। तो रोहतांग पास जाना इस टाइम पे तो प्राइवेट व्हीकल या फिर ये जो हिमाचल प्रदेश के बाहर के जो व्हीकल है वो रोहतांग पास जा नहीं सकता, तो यहाँ का जो लोकल गाड़ी वगैरह है उसी गाड़ी में आपको रोहतांग पास जाना पड़ेगा। तो हमने अभी जो बुक करवा लिया, कल सुबह हमको 7 बजे निकलना पड़ेगा रोहतांग पास के लिए, क्योंकि बर्फ जो है अभी वहीं पे है। तो गाइस अभी लगभग 8 बज चुके हैं और हमने आज मॉल रोड वगैरह घूम लिया, पर दुकान जो है ज़्यादातर बंद थे, बस खाने पीने का दुकान जो था वही ऑन था। तो आज का जो वीडियो है मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि कल हम लोग जा रहे हैं रोहतांग पास, तो इस वो जो रोहतांग पास का वीडियो है वो आपको अगले ब्लॉग में मिल जाएगा। तो आशा करते हो आज का जो वीडियो आपको पसंद आया, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं कल आपसे एक और नई वीडियो पर, तब तक जय हिंद जय भारत। तो अभी हमने रात के लिए ले लिया चिकन करी ले लिया और रोटी ले लिया, तो आज रात का जो हमारा डिनर है यही होने वाला है।